दसवां प्रश्न देखिए, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब यानी कि घन मीटर यानी कि आयतन निकालना है की आवश्यकता होगी। तो कैप्सूल की त्रिज्या, आर, व्यास दे रखा 3.5, इसका आधा कर दीजिए 2 × 2 = 14, 2 × 5 = 10 मिलीमीटर, 1.75 मिलीमीटर। और कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवाई, अब भरेंगे तो इसका मतलब आयतन है। कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवाई क्या बनेगी, 4/3 πr³, 4/3 π की जगह 22/7, और आर क्यूब का मतलब 1.75 × 1.75 × 1.75। तो देखिए काट लेते हैं हम इसको, 3 × 7 = 12, लेकिन 7 पे जाएगा, 7 पे चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 0, 7 × 2 = 14 और 7 × 5 = 35। तो क्या बचा यहाँ पे आपका, ये 4/3 तो ऐसे ही है, फिर ये 22 है, 7 तो कट गया, फिर क्या है 0.25 × 1.75 × 1.75। तो इनके ऊपर वालों की 4, 22, 0.25, 1.75, 1.75, इनकी सब की गुणा करेंगे तो आपकी गुणा आएगी 67.375, और बटा कितना आपका 3। इसको 3 से भाग करोगे तो 3 × 6 और 3 × 6 बन जाएगा 13, 3 × 12 बन जाएगा 17, 3 × 5 = 15 बच जाएगा, 2 = 25, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो 25 × 3 = 24 मिलीमीटर क्यूब, जिसको आप लिख सकते हो 22.46। इस 8 के कारण 5 को क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, 4.6 घन मिलीमीटर। इतना ही है बस भैया, बस दशमलव की गुणा करना लगा लीजिए, बाकी तो सीधा सा फॉर्मूला लगाना आपने, 4/3 πr³, 4/3 π का मान रखा 22/7, और आर क्यूब का मान 1.75 × 1.75 × 1.75। इनको जस्ट सोल्व करोगे आप, गुणा और भाग करना आना चाहिए, तो ये आंसर आपका बन जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब लगभग। इस ढंग से आपकी ये दसवां क्वेश्चन कंप्लीट हो रही है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।